हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ दोबारा से दिल्ली हाट, जैसे कि मैं पहले भी आई थी जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आई हूँ। जस्ट आई ने गेट नंबर 5 से आपको एक्सिट करना है और इसके बिल्कुल ही राइट हैंड पर, बिल्कुल ही पास में है ये दिल्ली हाट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सामान ऐसे मिल जाएंगे जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, बहुत ही यूनिक चीज़ें। एंड बार्गेनिंग यहाँ पर आप कर नहीं सकते, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ना मैं किसी जगह की कोई तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल है वो मैं सबको बताती भी चलती हूँ। यहाँ बार्गेनिंग करना बेकार है। लेना है यहाँ पर टिकट जो कि ज़्यादा रुपीज़ की नहीं है, 30 रुपीज़ पर बंदा है और 20 रुपीज़ चिल्ड्रंस की है। 20 रुपीज़ चिल्ड्रंस की है। सो चलते हैं फिर। सबसे पहले हम ले लेते हैं टिकट। ये है टिकट काउंटर, ये टिकट प्राइस है। वेस्ट मीन्स जवान, मीन्स 18 12 प्लस मीन्स उनके 30 है। एंड जो 5 से लेके 12 तक के बच्चे होते हैं 12 इयर्स के, तो उनके लिए तो 20 है। एंड जो विदेशी, उनको तो आपको पता है फॉरेंस को तो यहाँ पर लूट नहीं है, तो उनकी तो 100 रुपीज़ है। पहले इन्होंने हमें लूटा, अब हम इन्हें लूटेंगे। भाई मारो मुझे। हमने टिकट ले ली है, देखो टिकट्स ले लिए हमने, टिकट ले ली है। जस्ट एंट्री के साथ ही आपको सामने देखने को मिल जाएंगी लखनवी एंड चिकनकारी कुर्तियाँ। यहाँ पर इनके पास कलर कलेक्शन और जो कुर्ती कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा था। एंड शॉर्ट कुर्तीस, लॉन्ग कुर्ती जो गाउन टाइप की होती हैं, वो भी इनके पास बहुत अच्छी अच्छी थी। एंड जो इसका प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको मतलब ओरिजिनल पीस मिल जाएगा, आपको लोकल नहीं मिलेगा, लेकिन जो इसका एक्सपेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पर 800 से शुरू होकर 1500 तक की कुर्तियाँ थी। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं। आगे हमें देखने को मिल जाएंगी आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी। ये यहाँ पर इन्होंने हैंडमेड बनाया हुआ होता है सब कुछ, तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर क्या है। ये सामने लिखा हुआ भी है आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी ऑफ द नॉर्थ स्टेट रीजन। तो फिर चलते हैं अंदर। स्टार्टिंग ही बहुत ही अच्छी हुई है यहाँ पर, बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट भी कर रखा है। एंड यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बास्केट रखी हुई हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं, जूट की बनी हुई होती है। एंड ये जितने भी हैं ये सब हैंडमेड है। ये फर्स्ट जो है, ये कितना प्यारा बैग है, ये जूट का बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड इसके अंदर ये ना इस तरीके से बना हुआ है कि इसके अंदर आप सामान भी रख सकते हैं। ये बाकी बहुत बड़ी बड़ी क्रॉकरी है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। मतलब कि आप कहीं बाहर जाते पिकनिक मनाने जा रहे हो स्पेशली, तो वहाँ पर भी आप इसे कैरी कर सकते हो। बहुत अच्छी और बहुत ही डिज़ाइन में बनी हुई क्रॉकरीज हैं इनके पास, बहुत अच्छे अच्छे हैंडबैग हैं। यहाँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया डोरमेट हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक तो पांडा डोरमेट है, एंड एक पांडा तो मेरे साथ चल रहा है, वो ये रहा। गजब बेइज्जती है दूल्हा को ना। खैर, यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे डोरमेट भैया ने लगा रखे हैं। ये है डोगी डोरमेट, बहुत ज़्यादा ठीक है, अच्छा है। एंड दिस वन इज़ पांडा, एंड ये पता नहीं क्या है बट अच्छा है ये भी कलर में। और ये आता है हमारा फॉक्स वाला, एंड इसके बाद बास्केटबॉल, बाकी तो आपको दिख रहा होगा। ये स्माइली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको होम डेकोर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी यूनिक से शॉपिज़ मिल जाएंगे जो कि टेबल वगैरह पर लगा सकते हैं आप। एंड ये ग्लास है, मतलब सिर्फ सजाने के लिए है, पानी पीने के लिए नहीं है, और बाकी आप चाहो तो पी सकते हो। एंड यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। एंड जो ये देख रहे हो, दिस वन इज़ डायरी। ये जो डायरी है ये अंदर से मतलब खाली होती है, बट इसका जो अपर फेस है वो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। जस्ट लाइक अ KGF, आप KGF 4, 3, 5 सब इसके ऊपर बना सकते हो। खैर मजाक था। ये यहाँ पर एक छोटू सा बैग है, आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में ही कितना बड़ा है ये। सो ये इसके अंदर स्टफिंग हुई हुई है फैब्रिक की, वैसे अगर इसको निकाल देंगे तो ये बहुत छोटो सा निकलेगा। एंड यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये मिरर एंड ये छोटी छोटी सी डब्बियाँ होती हैं जिसमें हम सिंदूर वगैरह रखते हैं, वो है। सिल्वर ज्वेलरी है इनके पास, बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रेसलेट्स हैं एंड जूड़ा पेन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ब्रेसलेट है इनके पास, वैसे तो ब्रेसलेट अब बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जो बट ये है जो ब्रेसलेट या फिर जो भी सामान है हम यहाँ से लेते हैं वो यूनिक हो जाता है थोड़ा,
जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो क्वालिटी होती है वो ये बहुत अच्छी रखते हैं, मतलब कि जो रफ़ क्वालिटी होती है वो नहीं रखते। दिस वन इज़ ब्रेसलेट, वॉच ब्रेसलेट, एंड इसका जो प्राइस है वो 500 है। ये जूड़ा पिन इनके पास, अरे ये क्या है? वो है ये हाथ की, वो प्यारा लग रहा है भैया। ये कितने का है ये वाला? ईशा ये 300 का है। प्रिटी, एंड जो इसका वर्क है वो करदाने से हुआ हुआ है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। एंड मतलब वाइट फैब्रिक पे बना है, बहुत अच्छा है। एनी सीप से बना हुआ, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। इसका जो सीप है वो ओरिजिनल है, मतलब मोती वाला नहीं है। कलेक्शन अच्छा है। लंच टाइम हो रहा है इस वक्त इनका। बस उसके सामने ही शॉप है एक, जो कि खादी के सामान रखे हुए हैं इन्होंने। खादी के कपड़े हैं इनके पास, खादी की शॉर्ट कुर्ती, खादी की लॉन्ग कुर्तीज़, एंड खादी के ये मास्क इन्होंने यहाँ पर हैंग कर रखे हैं, जो कि 100 रुपीज़ के 4 हैं। मतलब लूट मचा रखी है पूरी की पूरी, आपको दिख रही होगी। एंड ये कुर्ती है और ठीक है, बट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई। एंड जो सामने शॉप है इनके पास लेदर कलेक्शन है, लेदर का हैंड बैग, ऑफिस बैग, एंड जो ट्रैवल बैग होते हैं वो भी इनके पास हैं। बहुत अच्छे कलेक्शन है इनके पास। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो। ये एक शॉप है जो कि अंदर को है इनके पास, जो हम घरों में लगाते हैं नज़र के लिए, घरों के बाहर लगाए जाते हैं वो है। ये सब इनके पास जितने भी हैं ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। ये उड़ीसा प्रेजेंट कर रहे हैं, उड़ीसा की जितनी भी कलाकृतियाँ होती हैं। ये उस चीज़ की शॉप है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल भी है, मतलब कि आप ईज़िली ख़रीद सकते हो। बाकी उड़ीसा प्रेजेंट कर रहा है इनके पास जो भी सामान है। ओ भाई मैं तो डर गई। ये सही है, ये बच्चों के लिए सही है। स्पाइडरमैन भी इनके पास, अच्छी चीज़ है। मतलब आप देख रहे हो ये किस तरह से बनाया गया होगा, मतलब कि ये कागज़ के ऊपर बनाया गया है बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा कलेक्शन दिल्ली हाट में खादी का है, आपको दिख रहा होगा। ये खादी के श्रग इन्होंने हैंग कर रखे हैं, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनके पास में। मतलब जो प्रिंट है ना वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अगर आप इसको पहनते हो तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, मतलब कि बहुत अच्छा है। इसका प्राइस इन्होंने 800 बताया है, जो कि खाली श्रग है। एंड ठीक है, मैं आपको रुको साइड से दिखाती हूँ, यहाँ पर अंधेरा हो रहा है काफ़ी। एंड देखें इसका कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट राखी दिखाना। कलर कलेक्शन प्लस जो प्रिंट कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो इसका प्रिंट है ये हटेगा भी नहीं, काफ़ी ठीक है। ले भी जाइए छोटा भी आप। अभी आपने बोला सिर्फ देख लीजिए। नहीं आप पसंद आएंगे तो फिर लेंगे भी, ऐसा नहीं है। हाँ, बुक मार्क भी है, कुछ देखिए बोली भी नहीं हुआ है 3 दिन से, यहाँ धूप में बैठे रहते हैं, क्या यहाँ पर कुछ कोई आता ही नहीं है, नहीं समझे। शाम को तो रश हो जाता है अच्छा खासा। कहते हैं थैंक यू से समस्या का समाधान नहीं होगा, तो हम बोल रहा है हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं, आप बताइए क्या जवाब है। ये सारा हैंडमेड है ना? सब हैंडमेड है, सब ऑर्गेनिक कलर से बनता है, फूल पत्ती का कलर होता है। इसमें जितना भी पेंटिंग है सब एक दूसरे से अलग है, सेम एक भी नहीं होगा। ग्रीटिंग कार्ड, बुक मार्क सभी सही है। ये जो चित्र थे ये मधुबनी के थे, मतलब कि बिहार की फेमस कलाकृति है, जो कि ये भैया मुझे उसकी हिस्ट्री बता रहे थे एंड अपनी भी बता रहे थे कि वो यहाँ पर किस तरह से कब से शॉप लगाते हैं और किस उसमें वो यहाँ पर इन्हें परचेस। ये देखो राखी यहाँ पर बहुत अच्छा है, एंड ये हैंडबैग है और बहुत ही अच्छा, मतलब ठीक है, इसकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे दिस वन, ये जो मजेंटा कलर है ये बहुत अच्छा लगा। 1500 का वन है ये। एंड यहाँ पर सब कुछ, मतलब जो हैंडबैग होते हैं, थैले होते हैं जो कि वो है, पिलो हैं एंड पिलो कवर्स हैं जो कि सोफ़ा सेट पे हम लगाते हैं, वो सारे उस तरह के हैं, जो कि एक जयपुर राजस्थान की कलाकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यहाँ पर आपको सिल्क की साड़ी, दुपट्टा, सूट, ये सब आपको सामने ही मिल जाएगा।
हाँ ठीक है, एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे जितना भी कलेक्शन है ये साड़ियों का कलेक्शन है जो कि सिल्क साड़ी है, और जो उसकी क्वालिटी है मैंने अभी देखी थी, भैया ने मुझे दिखाई, वो बहुत अच्छी थी। एंड वो भैया भी चले गए, नहीं तो मैं आपको भी दिखाती वो मुझे कैसे बियर कर करके दिखा रहे थे। एंड ठीक है, सामने सूट टंगे हुए हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो बीच वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो ये सूट है इनके पास, अच्छे हैं प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा। एंड सिल्वर ज्वेलरी तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेट्स गो, आगे चलते हैं, क्या क्या सामान है मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो इस वजह से ये हमारी मैडम झूला झूलने लगी है, इनको एक विश्राम करने की जगह मिल गई है। बाकी में बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और और यहाँ पर मैंने आपको जैसे दिखाया बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई हैं। अभी ना बिल्कुल भी रश नहीं है, जैसे जैसे शाम होती जाएगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो जाएगा। सो अभी तो बिल्कुल ही धूप है, हाँ, लेकिन अगर आप शॉपिंग के पर्पज़ से आते हो तो आप इसी टाइम आओ, क्योंकि ना रश होता है ना ज़्यादा भीड़, तो बहुत आराम से आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो इनके साथ। तो फिर चलते हैं आगे इस धूप में। दिल्ली हाट में जैसे जैसे मार्केट के एंड होता है, मतलब आगे सामने को जाके आपको बहुत सारे फूड स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको फूड स्टॉल है, असम फूड स्टॉल है, बिहार है, पंजाब है, मतलब बहुत सारे जितनी भी स्टेट वाइज यहाँ पर सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं आगे जाके। एंड अब की बार जो है सबसे ज़्यादा कलेक्शन है वो है कपड़ों का। यहाँ सामने बहुत छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई हैं जिसपे, जैसे ये सामने है, आपको अपना नाम अगर चावल के दाने पर लिखवाना हो, जो कि स्कूल टाइम पे हम बहुत किया करते थे, मीन्स मैं नहीं करती थी, मतलब बाकी जो फ्रेंड सर्कल था उसमें मैंने काफ़ी देखा था कि जो चावल होते हैं उसके ऊपर ये नाम लिख कर देते हैं, आप अपना नाम या फिर किसी भी नाम इसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हो, मतलब ये खुद अपने हाथों से लिखते हैं। इस तरह से कीचेन पर या किसी शॉपीस पे नेम वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं आप किसी को भी लिखें। या इन भैया ने अपना नेम यहाँ पर हैंग कर रखा था, तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो इन्होंने मुझे बताया जब कस्टमर शाम को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर वो ऑर्डर बेस पे इनको कॉल करके बुला लेते हैं, मतलब ये उन्हें कॉल करके बुला लेते हैं। एंड इनके पास बहुत चीज़ें हैं, मतलब कि जैसे कि आपको शिमला में, मनाली में बहुत देखने को मिलता है ये नेम प्लेट पर प्रिंट करवाने के लिए, जैसे कि आपका नाम है वो सब आप इन पे लिखवा के प्रेजेंट भी कर सकते हो, बाकी डोरबेल पे भी लगा सकते हो। यहाँ जस्ट पास में ही एक तिब्बतीन स्टॉल है, यहाँ पर इनके पास तिब्बत का जो भी सामान होता है स्पेशली बच्चों के लिए खेलने के लिए, वो सारे खिलौने हैं इनके पास। क्या प्राइस बताया था? 300 ईच मैम, 2 पीसेस 500। ओके 300, तो मैंने छोटू सा है। इसके पीछे पता है क्या है? मैग्नेट है, मतलब कि जैसे कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह है तो वहाँ पर हम सामने टेबल पे से लगा सकते हैं, मैग्नेट है इसके पीछे, उससे क्या होगा ये चिपक जाएगा। इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डोसा बहुत प्यारा लग रहा है, मिनी मिनी सा, मतलब ये सारी डिशेज हैं इनके पास, पिज्ज़ा वगैरह, गांधी जी के 3 मंदिर भी हैं, मतलब शोपीस भी हैं इनके पास, बच्चों के खिलौने भी हैं बहुत अच्छे अच्छे जैसे जैसे आप सीधे सीधे जाओगे आपको ये शॉप दिख जाएगी। यहाँ पे इनके पास बहुत ही यूनिक से जो ईयर रिंग्स होते हैं वो हैं, ये रिंग देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा बड़ी है। इनके पास जो कलेक्शन है ज्वेलरी का वो काफ़ी अच्छा है। नेकलेस है इनके पास बहुत अच्छे अच्छे, मतलब यूनिक टाइप के जो होते हैं वो हैं, आपको ये दिख रहे होंगे, वो पिंक वन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
एंड उसके साथ ईयर रिंग झुमके, मतलब ये जो मोती वर्क होता है ना वो हुए हुए थे। एंड के जस्ट सामने ही इन्होंने हैंडबैग रख रखे। ये हैंडमेड का पता है कैसे हैं, ये वुडन के हैं, मतलब कि लकड़ के बने हुए हैं। ये बहुत ही प्रिटी हैं। इनके प्राइस क्या है जी? ये 2199 के हैं जी, 2499। अच्छा, ये प्लेन वाले 1499 के, 10% ऑफ है। 10% ऑफ। बट एक चीज़ है, इनके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। एंड जो ये 1599 का बताया इन्होंने, मतलब कि 1600 रुपये का है ये पर्स। एंड है भी तो वुडन वर्क। तो इनके पास ना 100 रुपीज़ की ये की चेन थे, मतलब कोई सा भी आप 100 रुपीज़ में ले सकते थे। की चेन भी बहुत ही अलग अलग यूनिक टाइप के थे, मतलब कि ये देख रहे हो आप, ये वॉलेट है और किस पे की चेन इस तरह के थे। हाँ। तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट शॉप पर। नेक्स्ट टू अनदर शॉप, यहाँ पर इनके पास एंकलेट भी है एंड प्लस ब्रेसलेट भी। जैसी एंकलेट है वैसे ही ब्रेसलेट, ये यहाँ पर इन्होंने ब्रेसलेट टांग रखे हैं। ब्रेसलेट भी हैं, नेकलेस भी है, मतलब ये फ्लावर जो आ रहा है ये उस टाइप के, 100 रुपीज़ ईच हैं। एंड सबके प्राइस अलग अलग हैं। तो यहाँ हम दिल्ली हाट के लास्ट कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं। मैंने आपको एक एक शॉप यहाँ पर एक्सप्लोर की, 3-4 अगर छूट गई हूँ बीच की तो कोई बात नहीं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी एंड शाम को बहुत ज़्यादा यहाँ रौनक होती है। आप ये सामने स्टेज देख रहे हो ना, यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर थीम रखी जाती है और उसके ऊपर मतलब एक ट्रेडिशन होता है वो यहाँ पर होते हैं। बाकी यहाँ पे फूड स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे सड्डा पंजाब है यहाँ पर, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। 1x1 करके यहाँ पर इस तरीके से फूड स्टॉल बने हुए हैं, जहाँ पर आप पूरी मार्केट को एक्सप्लोर कर आके यहाँ पर कुछ खा पी भी सकते हो।